गुड मॉर्निंग पिला माने मु तुम मानको ए सुविधा कार्यक्रम को स्वागत जनाउ छी। आमे गत क्लास रे गांधीजी द्वारा संगठित होइथिबा तीनोटी आंदोलन कथा पढ़ी चंपारण आंदोलन खेड़ा आंदोलन एवं अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन रे किपरी गांधीजी तांकर सत्याग्रह अस्त्र प्रयोग कर सफलता पाई से विषय तुम्हें पढ़ी। आज पढ़ा राउलत आईन विरोध में आंदोलन। ये राउलत आईन कौन या विरोध में कहीं आंदोलन करा से विषय आज आम पढ़ा। चंपारण खेड़ा और अहमदाबाद ठारे संगठित आंदोलन गुड़िकर सफलता गांधीजी नेतृत्व प्रति जनसाधारण मनरे आस्था वृद्धि कर एवं तांकु समग्र भारत रे परिचित कराइथिला। एहा परे से जातीय स्तर रे ब्रिटिश शासन विरोध रे केतक आंदोलन करिबा पई आग्रह प्रकाश कले। 1919 रे इंग्रेज सरकार द्वारा प्रणीत कौन हेथिला राउलत आईन विरोध रे आंदोलन थिला गांधीजी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन। 1919 मसीह ब्रिटिश सरकार कौन करथिले ना राउलत आईन प्रणयन करथिले। राउलत आईन प्रणयन किए करथिला ना ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार राउलत आईन प्रणयन करथिले 1919 मसीह रे। या विरोधर जो आंदोलन गांधीजी करथिला सेटा थिला प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन। तापरे कौन है ना गांधीजी को ये जो आंदोलन पर प्रथम विश्व युद्ध रे भारत इंग्रेज और मित्र शक्ति को बहु भाव साहय कर भारतीय मैंने आशा करते युद्ध पर इंग्रेज सरकार भारतर राजनीतिक दाबी गुड़ी को पूरण कर किंतु से माने ताहा करी नथिले भारतीय मानंकु निराश करथिले। इंग्रेज सरकार भारत रे विद्रोह और विप्लवात्मक कार्यकलाप को दमन करने पर विचारपति राउलत अध्यक्षता रे एक कमिटी गठन करथिले। एही कमिटीर सुपारिश अनुसार जो आईन प्रणयन हला ताहा राउलत आईन नामरे परिचित। एही आईन बल रे इंग्रेज सरकार जे कौनसी भारतीय को गिरफ्त करिवे एवं बिना कारण रे कारादंड रे दंडित करि परिवार व्यवस्था रहिथिला। एहा द्वारा जनसाधारण स्वाधीनता ओ अधिकार खुर्ण हला। 1919 मसिया फेब्रुवारी मास रे गांधीजी एहा विरोध रे कौन कले ना गोटे सत्याग्रह कमिटी गठन करी एहार सभ्य मानंकु एही आईन को अमान्य करिबा पई कौन कले प्रवर्ताई थिले एवं एहा विरोध रे सत्य ओ अहिंसा भित्तिक आंदोलन करिबा पई प्रवर्ताई थिले। 1919 मसीहा फेब्रुवारी मासरे गांधीजी कौन कले ना सत्याग्रह या विरोध रे राउलत आईन विरोध रे सत्याग्रह करिबा पई स्थिर करथिले। गोटे कमिटी गठन कले एवं सेमान सभ्य मानक नहीं से कौन कले राउलत आईन को अमान्य करने कौन कले निष्पत्ति नहीं किए महात्मा गांधी। ब्रिटिश व्यवस्थापक सभा भारतीय सभ्य मानक विरोध सत्वे संख्यागरिष्ठ सरकारी सभ्य समर्थन फल 1919 मसीहा मार्च 18 तारीख में राउलत आईन गृहीत है ब्रिटिश व्यवस्थापक सभा 1919 मसीहा मार्च 18 तारीख एरा गृहीत है मार्च 18 तारीख कौन है यह गृहीत है राउलत आईनटा गृहीत है को बहुत भारतीय माने विरोध करने सत्वे सरकारी सभ्य मानक सहायतार यही आईनटा ब्रिटिश व्यवस्थापक सभा गृहीत है। गांधीजी एही आईन विरोध रे एक कौन कले एक सत्याग्रह आरंभ करने निम्ते देशवासी को आह्वान दे। गांधीजी को यही गण आईन अमान्य आंदोलन हिंसात्मक दिगरे गति करिवार आशा करी श्रीमती आनी बेसांत हला श्रीमती आनी बेसांत गांधीजी को विरोध करथिले। श्रीमती आनी बेसांत से गांधीजी को विरोध करथिले यार
ଏଇ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କାହିଁକି ନା ସିଏ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ଏହା ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିରୋଧ କଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦିନେଶ ଏଦୁଲଜୀ ୱାଚା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ ଓ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରତାଳ ପାଳନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ସରକାରଙ୍କ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା 1919 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଗଲା। 1919 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 6 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଲା, ହରତାଳ ପାଳିତ ହେଲା ସାରା ଦେଶରେ, ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ସାରା ଦେଶରେ ହରତାଳ ପାଳିତ ହେଲା ଏବଂ 1919 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଗିରଫ ସମ୍ବାଦ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲାହୋର ଓ ଅମୃତସରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଆଜି ରାଓଲାତ ଆଇନ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାହିଁକି କ'ଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ସବୁ ଜାଣିଲ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଏ ବିଷୟ ଏତିକି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ।